हर हर महादेव। एक हमारे पास प्रश्न आया हुआ है, हिमांशु दवे जिला जालौर राजस्थान से हैं। इनका प्रश्न है कि किसी का यदि अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया हो, कई दिनों से अस्थियां रखी हों, तो ऐसे व्यक्ति का भी पितृपक्ष में यानी महालय श्राद्ध हो सकता है, और फिर अस्थि विसर्जन कब करना चाहिए तथा कौन अस्थि विसर्जन करे, इस संबंध में इनका प्रश्न है, सार्वजनिक प्रश्न है। जो देखिए, पहली बात तो यह है कि जिनका अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया है, इतने दिन से रखा हुआ है, तो तब भी उनका श्राद्ध तो करना ही चाहिए, क्योंकि और सब कृत्य हो गया है, यदि सपिंडीकरण आदि सब हो चुका है और इसका समय समुपस्थित है, तो इसका श्राद्ध उस तिथि पर उनका श्राद्ध अवश्य होगा। परंतु अस्थि विसर्जन भी समय पर हो जाना चाहिए। अस्थि विसर्जन की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है, मदन रत्न एक ग्रंथ है, उसमें वृद्ध मनु का वचन है कि अस्थि विसर्जन यदि दाह के बाद और 10 दिन के भीतर हो जाता है, तो ऐसा ही फल होता है जैसा गंगा जी के किनारे ही उसका संस्कार हुआ हो, बस वही फल होता है। देखिए, दशाभ्यंतरे यस्य गंगा तोये स्थि मज्जति गंगायां मरणम यादृक तादृक फलमापनयात्। तादृक फल मवापनयात्, तादृकम एव फलम अवापनयात्। वही फल प्राप्त होता है जो यादृक गंगायां, गंगा के पास जो है, जिस प्रकार से जो संस्कार किया गया वही फल मिलता है। इसलिए 10 दिन के भीतर ही अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। जिनका संस्कार किसी गंगा आदि तीर्थ में ही हो रहा है, तो फिर उनका अस्थि चयन नहीं होता है, वो तो तत्काल ही जो है दाह के बाद वो चिता को ठंडा करके और उसी तीर्थ में प्रवाह कर देते हैं, बहा देते हैं। और तीर्थेतर स्थलों पर जिनका जो है संस्कार हुआ है, तो उनका फिर अस्थि चयन होता है और फिर 10 दिन के भीतर ही और जो है गंगा जी में पहुंचाने की परंपरा है। पहले ऐसा होता था कि जो है यातायात के साधन बड़े बाधित थे और संभव नहीं हो पाते थे, इसलिए लोग उसको संचयन करके पीपल पर बांध देते थे या जमीन में गाड़ देते थे, और जब कोई तीर्थ यात्रा को जाने लगे, गंगा जाने लगे, तो अस्थियों को ले जा करके फिर वो गंगा में छुड़वा देते थे। अब संभव है, अब लोग जाते हैं। तो आजकल लोग जो जाते हैं, जैसे इनका प्रश्न था कौन अस्थि विसर्जन करने जाए, तो प्रायः लोग ऐसा करते हैं कि जिसने जो है संस्कार किया है, तो वही पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही जो 10 दिन के भीतर गंगा जी में छोड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा प्रायः कई स्थलों पर हो रहा है, परंतु ये ठीक नहीं है। लिखा हुआ है कि जिसने जो संस्कार किया है, उसके नियम है 10 दिन पर्यंत नित्य प्रति उसको जो है पिंडदान करना है 10 गात्र का, और अश्वत्थ पर जल चढ़ाना है, जल जड़ पर, और अश्वत्थ शाखा लंबित एक घट बंधन होता है, उसमें जो है जल टपकता रहता है और नाना वस्तुओं का प्रक्षेप होता है उसमें, उस प्रेत के उद्देश्य से। जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनको प्रेत कहते हैं, ऐसा नहीं है वो भूत प्रेत वाले प्रेत नहीं है, ये विशेष रूप से गया हुआ इणगतव धातु से बना हुआ है, प्रकृष्ट रूपेण इतः गतः प्रेतः, ये बात है। तो उसको अश्वत्थ शाखा लंबित दीपक दान भी होता है, घर पर भी कुछ कृत्य हैं। लिखा है किसी का स्पर्श नहीं करे, एकांत में बैठे, सामान्य रूप से उसके बड़े नियम हैं। इन नियमों पर किसी जो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस समय सपिंडों के क्या नियम हैं और उस व्यक्ति के जिसने संस्कार किया उसके क्या नियम हैं।
अस्थि विसर्जन के लिए प्राय वही जाता है, पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो ये सब संपादन करे, कोई दूसरा पुत्र हो या और भी पुत्र तुल्य कोई भी सपिंडी हो, अपने जो है सापिंड पिंड के अंतर्गत यानी सात पीढ़ियों के अंतर्गत आने वाला कोई भी उसके पुत्र के तुल्य व्यक्ति हो, गोत्र वाला उस घर का कुल का, तो वो व्यक्ति फिर जाए और गंगा जी में अस्थि विसर्जन करके आए, ये मुख्य बात है, क्योंकि यहाँ का कृत्य छूट जाएगा इस दृष्टि से। और 10 दिन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, मतलब ज़्यादा फल होता है, और नहीं भी जा पाए तो फिर बाद में भी विसर्जित कर सकते हैं, और तीर्थ में विसर्जित करने में बाद में कोई ऐसा दोष नहीं है। जैसे कि आपने पूछा है कि इतने दिन हो गए तो उनका श्राद्धादि हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसा कहीं भी निषेध वचन प्राप्त नहीं है, ये मुख्य बात है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं तो खास रूप से पितृकर्म से संबंधित या देव कर्म से संबंधित, कर्मकांड और धर्मशास्त्र से संबंधित जो भी शास्त्र हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के मत हैं, कोई ऋषि का मत है, कहीं कोई जो लोकाचार का मत है, किसी जो पद्धतिकार का है, विभिन्न स्मृतियों में भी जो है विभिन्न प्रकार के वचन हैं, किसी क्षेत्र में कोई वचन चलता है, किसी क्षेत्र में कोई चलता है, कुछ वचनों में तो ऐसा है कि परस्पर बिल्कुल विरोधाभास विरोध जैसे हैं, तो पर उनके शाखा भेद से आचार भेद से उनकी व्यवस्था है कि जिस देश में जो आचार चल रहा है वहाँ के लिए वही व्यवस्था है, ऐसे बोले ऐसा ऐसा है, वो कैसा करें, दोनों विकल्प आर्ष हैं, दोनों ही ऋषि प्रोक्त हैं, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि भाई इन ऋषि का मत ठीक नहीं है, दोनों ही हैं। तब कहते हैं कि देशाचार तो व्यवस्था, तो वहाँ देशाचार के अनुसार व्यवस्था है, और कुछ अलग अलग जो है बिल्कुल वचन है तो वहाँ कहीं कहा गया कि भाई ये शाखा भेद से इस शाखा वाले ऐसा करेंगे, इस शाखा वाले ऐसा करेंगे, क्योंकि ये उनके गृह सूत्र में ऐसा लिखा है, उनके गृह सूत्र में ऐसा लिखा है, उनके शौच सूत्र में ऐसा लिखा है, इस शाखा से संबंधित स्मृति में ऐसा लिखा है, इस दृष्टि से ये बात जो है पुराण आदि के या अन्य जगह के जो वचन है वो उनका ऐसे विभाग करते हैं। तो मुख्य रूप से तो अपनी अपने अपने शाखा के अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो हमारे यहाँ 1131 शाखाएं थी, तो अब उतने गृह सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, शौच सूत्र आदि थे, तो अब उनका जो है लोप हो गया कारणवशात, कई कारण रहे इसमें, मुख्य रूप से तो काल का ही कारण है, समय का, इसलिए अभी वर्तमान में कुछ ही लगभग 8, 10 या 6, 7 ऐसी कुछ संहिता बची हुई हैं, बाकी की वेद की शाखाओं का लोप हो गया। तो हर ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य की अलग अलग शाखाएं थी कि भाई ये इस शाखा के हैं, इस गोत्र वाले इस शाखा के माने हैं, इस गोत्र के जो है इनका ये धर्म सूत्र है, ये सुलभ सूत्र है, ये गृह सूत्र है, इस प्रकार व्यवस्थाएं थी। तो आजकल वो सब जो है अब भूल गए, लोगों को पता ही नहीं है, किसी को तो वो शाखा ही नहीं पता है, तो अब लिखा हुआ है कि जो अपनी शाखा को छोड़ करके दूसरी शाखा का अवलंबन करता है, बात मानता है, तो उसे शाखारंड कहते हैं। तो अब ये जो देखिए व्यवस्था, तो अब कैसे व्यवस्था बने, तो जिन लोगों को पता है कि भाई हमारी ये शाखा है तो वे तो अपनी शाखा के अनुसार अपने गृह सूत्र के अनुसार कार्य करें, और जिनको अपनी शाखा का नहीं पता है और वे भूल चुके हैं तो वे लोग अपने गुरु की, अपने आचार्य की जो शाखा है तदनुसार कार्य करें। प्राय लिखा हुआ है कलयुग में जो है माध्यान्दिनी शाखा ही जो है बचेगी, धीरे धीरे ऐसे कालक्रम से जो है लोप होती जाएंगी, तो और भी कुछ यथा अंश में बचेंगी, ये तो आगे की बात है, परंतु अपनी अपनी शाखा की रक्षा, अपनी अपनी शाखा का जो है तदनुसार संस्कार आदि करना ये अत्यावश्यक है। इसी से जब लोग हम अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करेंगे और उसमें प्रवृत्त होंगे तो उसकी जानकारी होगी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्चायु बहुविघ्नताश्च, इस प्रकार कहा गया है अनंत शास्त्र है, ऐसा वचन है।